में वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करने में मजा ही अलग आ रहा भाई। फर्स्ट टाइम एवर वी रीच्ड। अरे दादा ठंडा ठंडा पानी। हाँ जी गुड मॉर्निंग फ्रॉम डलहौजी। कल रात को तो व्लॉग एंड कर नहीं पाया था, मैंने सुबह ही एंड किया है। तो व्यू आप पीछे का देख ही रहे होगे, मेरा दिखा देना भाई कैसा व्यू आ रहा है। आज का प्लान है सच पास निकलने का, रेडी हो गए हैं ऑलमोस्ट सब लोग, बस निकल ही रहे हैं। टाइम हो रहा है 8 और धूप थोड़ी सी तेज है, बट कोई नहीं, झेलेबल है झेलेबल है झेलेबल है। मिलते हैं आपको मोटर व्लॉग में। एज यूजुअल निकलते निकलते 10:30 बज गए। जय हो बाबा की। अभी निकले हैं सच पास के लिए, वो आया चंबा जाना है। अभी नेविगेशन लगा लेता हूँ, वो बता रहे थे कि नेटवर्क कम आएंगे। टफ रास्ता शुरू होने से पहले एक दो काम कराने हैं, एक तो लाइट लगवानी है वाली, और दूसरा जीपी भाई का जो बैग जल गया था उसमें एक नीचे शीट लगाने की सोच रहे हैं कि नीचे शीट लगा देंगे तो फिर लोहा गर्म होगा पर जलेगा नहीं सामान कुछ भी। ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई साहब, मज़ा ही चाह रहा है। एक ये हवा भी चेक करवानी है, थोड़ा बबल कर रहा है टायर। कल पूरे दिन बढ़िया चली है, कोई दिक्कत नहीं आई, और जैसे अंधेरा हुआ ये जलाने का टाइम आया तुरंत गिर गई। सच पास, हाँ वहां से सीधा उधर से उदयपुर खुला हुआ है तो फिर वहीं से वहां निकल जाएंगे कीलोंग। बर्फ पड़ी हुई है, चलो अल्टीमेट भाई अल्टीमेट। कितना प्यारा लग रहा है पानी, यहाँ भी कोरोना के पेशेंट भाग रहे हैं क्या। डोमिनार का ऑयल है 10.50, कहाँ मिल जाएगा 10.50। एक हमारे अंकुर भाई साहब ऐसे हैं, भरा हुआ इंजन ऑयल का डब्बा घर छोड़ आए। खैर मैं भी मॉड्यूल वो छोड़ आया चैन लियो। ये गया है पहुंचा है। कुछ भी नहीं करते, एंटरटेनमेंट कर गया भाई। क्या कह रहे हो? गाड़ी मत रुकवा करो यार। मैंने कहा रुकवाई थी, मुझे नहीं पता भाई तुम क्यों रुके हो। बाइक इस टाइम पेट्रोल सेविंग मोड पे लगा ली है, विदाउट गियर के चला रहे हैं, और स्पीड भी सही आ रही है 45। एक लौंडा को भूख लग रही है, सुबह से नाश्ता नहीं कर रखा ना, सिर्फ चाय पी के निकले थे। टाइम हो गया है 12:36। कौन वह देख रहे हो हमारा, सबसे आगे क्रेटा चल रही है, फिर एक्सेंट चल रही है, इको स्पोर्ट्स, पीछे एंडेवर। जहाँ भी खड़े हो जाते हैं ऐसा लगता है पता नहीं लड़ाई वड़ाई हो गई क्या, इतनी पब्लिक कैसे खड़ी है। बाद में पता चलता है कि अरे ये तो सारे साथ ही हैं। होटल वाले भी मना कर देते हैं एक साथ सबका खाना बनाने के लिए, दो होटलों में बात करनी पड़ती है कि भैया आधा तुम बना दो आधा तुम बना दो।
आजकल के यंगस्टर्स को अलग टाइप के कर्व्स पसंद है और हमें ये वाले कर्व्स बहुत पसंद है। अगर बारिश हो रही होती आफत ही हो जाती यहाँ तो स्लश में। कितना बढ़िया लगता है, रंग बिरंगे से घर होते हैं पहाड़ों में। पहली वाटर क्रॉसिंग आ गई भाई। बुआना ये छोटी सी है तो फर्स्ट क्रॉसिंग है भाई। भैरागढ़ से पहले लास्ट पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं। इसके बाद बहुत बता रहे हैं कि बहुत दूर जाके पेट्रोल पंप मिलेगा तो इसलिए सब टॉप अप करा रहे हैं और जो एक्स्ट्रा फ्यूल लेना है वो ले रहे हैं। गाड़ियां आ चुकी हैं। भाई मैंने मिट्टी भरी भाई। बाबा मजा आ रहे हैं बहुत भाई। ढक्कन तो खोल दे, ढक्कन प्रेस करना पड़ेगा। आवाज तेरे सिल्की सिल्की बाल। बाबा क्या मौज आ रही है। मजा भाई मजा, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। बाइक तो निकल जाएंगे पर वो पीछे वाले रह जाएंगे। फिर क्या हुआ है, पेड़ गिर गया। पेड़ जेसीबी देखो कैसे डांस कर रही है। वहां वर्ल्ड फेमस जेसीबी है। क्या मीम था वो, मैं भूल गया। जेसीबी की खुदाई, जेसीबी की खुदाई। होएंगे ही, अभी तो और ढीले होएंगे जब पानी लगेगा। बर्फ के दर्शन हो गए भाई। वो ऊपर पहाड़ पे वहीं जाना है। अबे पास ही रहे। हाँ जी, भैरागढ़ से बचे हैं 40 किलोमीटर पहले। यहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे थे और जान निकल चुकी है गर्मी के मारे और भूख के मारे तो निकल रही थी। अब तो खा पी लिया है बढ़िया। राजमा चावल बिना नमक के और क्या खाया था, पराठे। पराठे खाए थे वो ठीक थे। चलो वो ठीक थे। और क्या, कोल्ड ड्रिंक। ओह माय गॉड, कोल्ड ड्रिंक। मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता तो इसलिए मैंने रियल का वो लिया था माजा बिना बताए। और बाकी अब ऑफ रोड शुरू होने वाला है। अभी तक का ऑफ रोड तो ठीक ठीक था और अब असली एडवेंचर शुरू होने वाला है। मिलते हैं आपको मोटर बाइक पे। भैरागढ़ 35 किलोमीटर। सचपास का पहुंचेंगे जब भैरागढ़ ही नहीं पहुंच पा रहे। आदमी क्या रिकॉर्ड करे क्या ना करे, यहाँ तो भाई कम से कम 50 एक कार्ड लाने चाहिए थे मुझे, मेमोरी कार्ड। कितनी भी फुटेज कम करने की कोशिश कर लूं भाई, हर दूसरे कर पे ऐसा लगता है कि यार ये तो रिकॉर्ड कर लो, ये तो रिकॉर्ड कर लो। अरे दादा ठंडा ठंडा पानी। गाड़ी वाले इतने कुत्ते हैं, गाड़ी वाले चश्मा नहीं दिखा रहे और कोई काम नहीं उनका गाड़ी में। अरे दादा क्या कोहरा पड़ गया। अरे 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 थैंक यू सो मच। मजा पूरा है भाई ऑफ रोड में जो बात है। अभी उनने पानी बहुत जल्दी करा, फायर करवा दो। Yeah.
भैरागढ़ से एंट्री करके निकल चुके हैं। जो भी आगे जाता है उसकी एंट्री करनी पड़ती है, और वो एंट्री इसलिए होती है ताकि इन्हें पता रहे कि इतने लोग आगे गए हैं, और फिर नेक्स्ट टोल पे जब नेक्स्ट चेक पॉइंट पे पहुंचेंगे तो वहां पे रीचेक होता है कि हाँ भाई, किसी की मिसिंग रिपोर्ट होती है तो पता लग जाता है ना कि ये यहाँ इस चेक पोस्ट तक गया था, तो फिर उस चेक पोस्ट से नेक्स्ट चेक पोस्ट के बीच में सर्चिंग होती है। 35 किलोमीटर के 2.5 घंटे बता रहे हैं, और कि 2.5 घंटे लग जाएंगे। अगले महीने सारा पोर्शन यहाँ बर्फ से कवर हो जाएगा। ये कैंप एरिया होते हैं, लोग यहाँ पे कैंपिंग करते हैं, अपने टेंट लाओ, अपने टेंट लगाओ। हमारे पास हमारे टेंट हैं, बट सब पे नहीं है ना, तो इस वजह से हमें गेस्ट हाउस ही देखना पड़ेगा। बट कोई ना, अगर मन किया तो गेस्ट हाउस वाले के बाहर कैंप लगा लेंगे कि भाई हमें बाहर कैंप लगाने दे, बस वॉशरूम यूज़ करेंगे तेरा, जो बनते हो तू अपना खर्चा ले लियो। 500 मीटर पहले से ऑफ रोड शुरू हो चुका है, और अब तक का ऑफ रोड का सबसे लंबा पैच तो यही था। आप समझ गए 2.5 घंटे कैसे करते वो आर्मी वाले। जब चली 20-25 की स्पीड में रही है बाइक, तो 35 किलोमीटर कभी पहुंचेंगे। मैं फोटो खींचता हूँ हमारी वहीं से। कैसा रहा ट्रिप? अल्टीमेट भाई, मजा आ गया। ये जो 500 मीटर का पैच है ना, अब ये पूरा ही 35 किलोमीटर तो यही है, इसलिए वो पुलिस वाले यूं कह रहे थे कि भाई 2.5-3 घंटे लग जाएंगे। हाँ, तो पूरा रोड ऐसा ही मिलेगा? अब पूरा रोड ऐसा ही मिलेगा, और गंदा होता रहेगा स्टेप टू स्टेप। इसका ये लोड कितना ले सकता है? कहाँ से? वहाँ से। आई शाबाश। ये इतना कुछ बात। कहाँ बंद करूँ कैमरा, कहाँ चलाऊँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा भाई। डोंट भिगाए मेरे जूते, मैंने अभी वो नहीं पहना। कितना प्यारा सनसेट है, वाह यार। जिन्होंने भी सुबह लेट किया था, आज पता लग जाएगी उन्हें लेट करने का नतीजा क्या होता है। मैंने राहुल भाई ने इन्हें 7:30 बजे तक उठा दिया था सबको, कि आधे घंटे में तैयार हो जाओ, निकले हैं 10:45, और फिर ये उम्मीद कर रहे थे चांदने में सचपास पहुंचेंगे, और फिर किल्लाड़ अंधेरे से में थोड़े से, और यहाँ इन्हें तो सचपास पहुंचने में ही अंधेरा हो गया पूरा, और मेरी लूसी भी थोड़ा सा दुखी हो रही है बेचारी, कभी कभी बीच में ठंडी पड़ जाती है। रात में वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करने में मजा ही अलग आ रहा भाई, बस जूते ना गीले हों, बाकी सब ठीक है। नहीं दिख रहा भाई, पता नहीं कब आएगा सचपास। फर्स्ट टाइम एवर सचपास कोई रात को दिखा रहा है भाई, आज तक किसी ने रात में नहीं दिखाया सचपास, सिर्फ टीम ट्रैवल मैकेनिक करके दिखा रही है।
फाइनली वी रीच्ड, आई एम द फर्स्ट, वी आर द फर्स्ट, दो जने फर्स्ट नहीं हो सकते भाई कभी भी। दुनिया के हम सबसे पहले हैं जो रात को सच पास कवर कर रहे हैं। आधी रात में करने को भी रेडी थे और करा। और जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है यहाँ पे रात को वो भी दिखानी है क्या? वो भी दिखाएंगे, थोड़े अगले व्लॉग में दिखाएंगे। हाँ जी भैया, तो पहुंच चुके हैं सच पास, टाइम हो रहा 7:30 और हालत हो चुकी है ठंड से बिल्कुल खराब। 14,500 फीट की ऊंचाई पे हम सी लेवल से, और हमारी इको स्पोर्ट्स आ चुकी है, धूल उड़ाती है मेरे मुंह पे और ये मेरे मुंह पे चढ़ा देंगे क्या? चलो बच गए, मैं भाई गुस्से में आ गया हूँ भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, भाई लगाना मत कोई। ए कलम वाली भाई तू सुन, तेरे बोलने से जनता जागेगी, तू जगा। मुझे कुछ नहीं जगाना यार, ठंड बहुत है, मैं खुद जग जाऊं वही बड़ी बात है। इरफान खान रीडर सिस्का एलईडी लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा, स्वर्ग में लगा रखा अब तो। यहाँ तो बहुत जरूरत है बेटा, क्या लगाओ एक्चुअली तो मुझे बोल सकते हैं, लेकिन भाई तो मेरे आवाज लाउड करना, कोई नहीं आस पड़ोस ये स्टार्ट में लाउड नहीं हो सकता। अच्छा कलम वाली भाई क्रांति लेना चाहती थी, कोई नहीं जगह, मैं जग गया पागल दिखता हूँ, बता लटक जाऊंगा, जब लटक जाएगी घर से बाहर निकलेंगे, बीवी से बोलेंगे खाना बना खाकर सो जाएंगे, नहीं जीना ऐसे न मरते होगी दुनिया में। ये सच पास आ चुके हैं हम लोग, मजा आ रहा है, ठंड लग रही है, ठंड। तेरा बर्थडे है, देख मजनू मैं तेरे को ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अरे देख मजनू कंट्रोल कर। अरे कितनी बार बोला है, अरे कितनी बार बोला है दारू पी के ऐसे मत बोला कर, ये सारे लोग अपने हैं, यहाँ लगती है ये लोग, मैं सकते हूँ गलत उपयोग कर रहे हैं यार, भैया मुझे बचा लो। ये लोग मुझे मार देंगे। ओए चड्डा, ये मजदूर कहाँ आता है, लोहा पिघला के उसकी आकार बदल देता है। मजा ही आ गया भाई, भाई ने एक नंबर मिमिक्री करी है, इस भाई ने तो मजा ही बांध दिया। ऋतिक रोशन जब ये आया ना बन के लास्ट में, अमरीश पुरी इसकी भाई की सही में गलत उपयोग हुआ शक्ति होगा। हाँ जी, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये सेकंड एपिसोड था, अभी थर्ड और फोर्थ फिफ्थ गॉन, पता नहीं कितने अभी एपिसोड आने हैं, मेरे को कंफर्म नहीं पता है क्योंकि अभी पूरा डाटा देखा नहीं है, आजकल बहुत बिजी चल रहा हूँ, थोड़ा सा शेड्यूल बहुत बिजी है। और अभी कल फ्राइडे है तो एक मूवी लॉन्च हो रही है, द पिकअप आर्टिस्ट देहरादून में, तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं देहरादून से, वो प्लीज़ PVR में, जो भी आपके नियरेस्ट PVR हो वहाँ पे जाके देखें, और कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच, बाय।